हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू संगीताज होम कुकिंग। आज हम बनाएंगे खम्मन, नायलॉन खम्मन। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी एंड जालीदार खम्मन ये बनता है और झटपट बन जाता है। ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी, तो आप भी अगर उन्हें एज इट इज़ फॉलो करेंगे सो यू कैन ऑल्सो अचीव दिस मार्केट लाइक खम्मन। सो फॉर दिस रेसिपी मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है। मेरा जो कप है वो 250 ml का है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप घर का ही कोई बड़ा सा कप ले लीजिए और उसे ही एज अ मेजरमेंट यूज़ कीजिए। और पूरी रेसिपी में सेम कप आप यूज़ कीजिए, उसे चेंज मत कीजिए। एंड आफ्टर दैट मैंने 1 teaspoon के मेजरमेंट से यहाँ 4 teaspoon शुगर ऐड किए हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो नॉर्मल जो खाना खाने वाला चम्मच होता है आप उसे यूज़ कर लीजिए और उसी से सारी रेसिपी कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद यहाँ 1/2 teaspoon सॉल्ट मैंने ऐड किया है। आफ्टर दैट ये टाटरी है, इसे नींबू के फूल या सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखती है, छोटे छोटे वाइट कलर के दाने होते हैं। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये दिखा रही हूँ। तो खटाई के लिए हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। ये बहुत इजीली किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाते हैं। तो ये भी मैंने एग्जैक्ट मेजर करके 1 teaspoon मैं ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है जिससे आपके जो खम्मन है वो कभी भी फेल नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट लाइक बनेंगे, ट्रस्ट मी। तो इस मेजरमेंट को ही आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ मैंने ये 1 teaspoon ऐड कर दिया है। आफ्टर दैट ये 2 से 3 चुटकी हल्दी है, बस इतनी ही हमें डालनी है। इससे बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाएगा खम्मन का, येलो वाला। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो उससे क्या होगा कि रेसिपी में आगे जाके जब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो हल्दी और बेकिंग सोडा रिएक्ट कर जाएंगे और खम्मन के ऊपर ना रेड रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। आफ्टर दैट यहाँ मैंने 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है, वेजिटेबल ऑयल है रेगुलर। इन सब को हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक हमारी जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए और जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। दैट्स इट। एज यू कैन सी हमारी जो सारी चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है और जो तेल मसाले हैं वो भी जितना मिक्स हो सकते थे हो गए हैं। सो एट दिस पॉइंट हम ऐड करेंगे हमारा बेसन। यहाँ पर जो बेसन मैं ऐड कर रही हूँ वो मैंने पहले से ही छान के रखा है। सो मेक श्योर आप भी बेसन को पहले अच्छे से सीव कर लें, इससे बेसन जो है वो लाइट हो जाएगा। सेम टेक्निक जो हम केक बनाते समय यूज़ करते हैं वही है। तो यहाँ मैंने मेजर करके 1 cup and 1/4 cup बेसन लिया है, दैट मीन्स 1/4 cup बेसन मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो बस मेन जो ट्रिक है वो यही है कि हमें जो बेसन है वो छान के यूज़ करना है। तो आप भी बेसन को अच्छे से छान लें जिससे उसमें अच्छे से एरिएशन हो जाए और उसके बाद उस बेसन को अपने इस तरह से घोल में डालें। तो इस मेजरमेंट से बिल्कुल ये देखिए पूरा मैंने बेसन डाल दिया है और ये कंसिस्टेंसी है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी का बेसन थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी लेता है तो आप 1-2 tablespoon का फ़र्क आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये जो रेसिपी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें चाहिए। इसके बाद हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है हम यहाँ अपना स्टीमर रेडी कर लेते हैं। मैं एक बड़े पतीले में अपना जो खम्मन है वो स्टीम कर रही हूँ। तो एक रिंग मैंने रख दी है और उसके बाद पानी डालकर इसे गर्म कर लेंगे। एंड आफ्टर 15 मिनट्स ये जो हमारा घोल है ये भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा बेकिंग सोडा। ये मीठा सोडा है जो हम पकौड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही है। सो ये देखिए मैंने यहाँ 1 teaspoon से थोड़ा सा कम लिया है, एग्जैक्ट इसी तरह से हमें लेना है। और उसके बाद इसे डालकर ऊपर से हम 2 tablespoon पानी डाल देंगे
और उसके बाद बस हम इसे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में तेज़ी से मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हमें इसे मिक्स करना है ताकि बिल्कुल एरिएशन अच्छे से हो जाए। ये देखिए, अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप हाथ से भी इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो अपना टिन है मैंने पहले से ग्रीस करके रखा है और इसमें हम अपना जो बैटर है वो पोर कर देंगे। हमें बस 30 सेकेंड से इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बेसिकली पॉइंट ये है कि इसे इंस्टेंट स्टीम मिलनी ज़रूरी है। इसे हल्का सा डैप करेंगे और तुरंत इसे स्टीमर में रख देंगे जिससे इसे इंस्टेंटली स्टीम मिले और हमारा खमन जो है वो बहुत अच्छा सा राइज हो जाएगा। दैट्स इट, इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट्स इसे हाई फ्लेम पर हम स्टीम करेंगे और उसके बाद 5-7 मिनट्स लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। जब तक स्टीम हो रहा है तब तक हम अपना तड़का बना लेते हैं। हम पानी वाला तड़का बना रहे हैं, मीठे पानी वाला, बिल्कुल वैसा जैसा मार्केट में मिलता है। तो ऑयल गरम कर लेंगे, ऑयल हमें अच्छे से डालना है। मैंने यहाँ 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद राई डाल देंगे। जब राई चटकने लगे तो हम डालेंगे मीठी नीम। हल्का सा इसे कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ चटकती है मीठी नीम। और उसके बाद डाल देंगे हमारी स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद जब हमारी चिलीज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे पानी। हमें बिल्कुल वही कप यूज़ करना है जो हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, उसे ही मेजर करके मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है क्योंकि हम पानी वाला खमन बना रहे हैं इसलिए। और उसके बाद 4 चम्मच चीनी, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और जब तक चीनी हमारी घुल जाती है इसे हल्का हल्का हम बॉईल करते रहेंगे। और जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपना तड़का जो है वो बिल्कुल हमें ठंडा करना है। अगर हम गरम गरम डालेंगे तो खमन जो है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा खमन है वो भी तैयार हो गया है। नाइफ़ टेस्ट से हम चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल नाइफ़ क्लीन बाहर आया है। दैट मीन्स हमारा खमन जो है वो तैयार है। इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद एक नाइफ़ की हेल्प से जब खमन पूरा ठंडा हो जाए चारों ओर नाइफ़ चला के इसे रिमूव कर लेंगे एजेस को। इस तरह से नाइफ़ चलाते जाएंगे और उसके बाद एक प्लेट ऊपर रखकर इसे पलट देंगे। इस तरह से आप देखिए कितना सॉफ्ट एंड जालीदार खमन बनाया हमारा और कितना इजीली बाहर आ गया है। अगर आप भी इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से सॉफ्ट एंड जालीदार खमन बनेगा, बिल्कुल मार्केट लाइक खमन। बस अब हमारा जो तड़का है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है और उसे हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो यहाँ मैं अपने खमन को इस तरह से पीसेस में कट कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे छोटे या बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। और उसके बाद जो तड़का हमने बना के रखा है उसे हम पोर कर देंगे। ये जो पानी वाला तड़का है ये हमारे खमन को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है और इस खमन इस तड़के के बाद बहुत ही जूसी हो जाता है। और मतलब एवरी बाइट में हमें खमन बहुत ही मीठा, खट्टा, सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट से बनती है, इसलिए इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि रेसिपी ख़राब बनेगी। तो आप इस रेसिपी से खमन ज़रूर बनाएं एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आप एक बार इस रेसिपी से खमन बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और कभी बाहर से मार्केट वाला खमन नहीं लाएंगे एंड इंस्टेंट पैक भी आप नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि घर पर ही आप बहुत इजीली इतने अच्छे खमन बना लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एंड जालीदार खमन बना है। इसका जो पीस है वो मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल जालीदार खमन है और कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमने हल्दी थोड़ी डाली है।
So I hope you like the video, and I'll see you in the next video. Till then, bye everyone.